तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बाउंड्रीज के बारे में। क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बाउंड्रीज हमें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। दो तीन चीजें हैं उसको बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, एक्चुअली होता है सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री, हमारे पास ये अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं। तो बाउंड्री क्या है कि हमारे पास अगर कोई सिस्टम फिक्स है, अगर कोई सिस्टम है हमारे पास जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी एक रीजन, एक लिमिट होगी जिसके अंदर अंदर हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। जो ये रीजन होगा, जो इसका एंड पॉइंट होगा, जहां तक हमने ये सिस्टम को देखना है, उसको हम, इस पॉइंट को, इस लाइन को हम कहेंगे बाउंड्री। देखिए बाउंड्री अगर मैच देखते हैं क्रिकेट, तो उसमें भी आप सबको पता है कि बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो हर चीज की बाउंड्री होती है, हमारे इवन इंसानों की भी, हर इंसान जानवर कोई भी है, तो हमारी भी एक बाउंड्री होती है हर चीज के लिए, कि चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारा एक लिमिट होती है कि यहाँ तक ही हमारी बाउंड्री है। तो घर है जैसे हमारा, हमारी जायदाद है, जमीन है, तो हमें एक बाउंड्री होती है हमारी कि ये हमारा यहां तक है। तो इस तरह बाउंड्री है। तो हमारे पास सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्री किसे कहेंगे और हमारे टाइप क्या होंगे। तो पहली जो टाइप है वो है फिक्स्ड टाइप, फिक्स्ड टाइप बाउंड्री। तो फिक्स्ड बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी वो अभी देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक प्रेशर कुकर में आप काम कर रहे हैं, और ये हमारा सिस्टम बन चुका है जिसके अंदर हम एक पानी जो है उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास ऊपर इसका अगर लिड लगा हुआ है, हम इसके ऊपर जो ढक्कन है वो लगा के रखते हैं, ये इस तरह से मान लेते हैं कि ये ढक्कन है। तो हमारे पास ये जो है, ये सारा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, फिक्स्ड ये बाउंड्री है, यहां पे फिक्स्ड है। तो इस तरह से जब कोई बाउंड्री होती है तो वो फिक्स्ड बाउंड्री कहलाती है, जहां पे उसको चेंज नहीं किया जाता। जहां तक हमारी, इवन वही दोबारा से एग्जाम्पल दूंगा, घर है हमारा, तो वॉल्स है हमारी जो, वो फिक्स्ड बाउंड्री है कि इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर आप देखिए घर लास्ट में एंड में दीवार बना देते हैं तो हमारी फिक्स हो जाती है, तो वो फिक्स्ड बाउंड्री में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा जो, वो है इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी बाउंड्री क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री में हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होगी, लेकिन हमने इमेजिन किया होगा। इसमें हमारे पास, जैसे हम मान लो कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो जीवाणु कीटाणु होते हैं, हम उस पर स्टडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक रीजन सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमें देखना है। तो हमारे पास वहां पे बाउंड्री नहीं होती कोई, लेकिन हमें एक फिक्स वैल्यू की, मैं सिर्फ इतने एरिया पे इसको चेक करूंगा, इसकी स्टडी करूंगा, तो हमारे पास वहां पे बाउंड्री नहीं होती, लेकिन इमेजिन करना पड़ता है कि यहां तक मेरा बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर स्टडी है। मान लो कोई बॉडी है पूरी, लेकिन हम एक पार्ट ले लेते हैं कि इतने ही पार्ट पे मैं स्टडी करूंगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो पार्ट्स, माइक्रो चीजें जो होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं जो छोटे छोटे हैं। तो हमारे पास इसका है नहीं, लेकिन फिर भी हम बाउंड्री फिक्स कर दी हमने, ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी। इस तरह से सेकंड पार्ट है। तो तीसरा पार्ट जो है वो है मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री। इस बाउंड्री में क्या करेंगे कि मूव करेगी बाउंड्री। जैसे हमारे पास बाउंड्री, हमारे पास फिक्स नहीं होगी, वो मूव करती रहेगी। जिस तरह से एक सिंपल सी बात करें तो हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। अब इसको मैं अगर सिस्टम मानूं कि मैं इसके अंदर स्टडी करना चाहता हूं, इसके प्रॉपर्टीज, इसका प्रेशर, टेम्परेचर, ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा होगा क्या, ये वाला पिस्टन मूव करता रहेगा, ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। ये वाला तो फिक्स है बाउंड्री, बाहर वाला तो ये वाला, लेकिन टोटल अगर बाउंड्री देखें तो ये पिस्टन मूव करने के कारण यहां से ये बाउंड्री जो है वो चेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जिसके कारण ये बाउंड्री का तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है मूवेबल बाउंड्री। तो बाउंड्री तीन तरह की, फिक्स्ड, इमेजिनरी, मूवेबल। तो अगर आपको पेपर में आता है तो इसकी थ्योरी भी कुछ इसी तरह से लिखेंगे, और डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, देखिए
मेरे हमेशा मार्क्स जो आए हैं वो अलग से स्पेशल इसलिए आते थे, हमेशा टीचर ने एक चीज कहनी कि आप एग्जाम्पल्स बहुत देते हो, उसी के कारण आपके एक्स्ट्रा मार्क्स लगते हैं। तो मैं ये करता था कि मुझे एग्जाम्पल जहां से भी कोई मिलती थी आम जिंदगी से, उसका डायग्राम जरूर बना के आता था। तो आप भी इस डायग्राम बना के आइए, उसको समझाइए। सॉरी, सिर्फ आप ये मत करें कि थ्योरी लिख के आगे और हम कहें कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम हम बनाएंगे ताकि उनको समझ आ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।